सुनती हो सुई रानी। अब भी बब्बन मियाँ नाश्ते के लिए गए हैं। आओ अब तुम मेरे पास आओ, मैं थोड़ी सी बातचीत करूं तुमसे। हाँ बोलो ना, क्या कहना है? सुनो, देखो मैं भी तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, लेकिन कितनी शक्तिशाली हूँ, कितनी बड़ी हूँ, और देख रही हो, इसीलिए बब्बन मियाँ भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जिसे चाहूँ उसे काट सकती हूँ, समझी सुई रानी? समझी समझी? नहीं नहीं, बब्बन मियाँ मुझे अधिक प्यार करते हैं। वो हमेशा मुझे अपनी टोपी में लगा के रखते हैं। तुमको हमेशा अपने पैरों के नीचे दबा के रखते हैं। मैं सुई तुमसे ज्यादा बब्बन मियाँ के प्यार की हकदार हूँ। अरे अरे अरे, बब्बन मियाँ आ गए, बब्बन मियाँ आ गए, बब्बन मियाँ आ गए। अरे ये तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो? सुई रानी और कैंची बहन, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो आपस में? तुमको तो पता है कि दोनों मेरे लिए बहुत ही उपयोगी हो। अब मैं तुम दोनों से प्यार करता हूँ। अब अंतर क्या है? अंतर है कि ये जो सुई है, एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, और समाज में जो जोड़ने का काम करता है उसका स्थान ऊंचा होता है, और उसे मैं सिर में लगाता हूँ अपने टोपी में, इसीलिए सुई हमेशा ऊंचा स्थान पाती है। और तुम मेरी प्यारी कैंची, तुम हमेशा एक दूसरे से अलग करने का काम करती हो, काटने का काम करती हो, इसीलिए कैंची, इसीलिए मैं तुम्हें अपने पांव के नीचे रखता हूँ, समाज में उसका स्थान नीचे होता है।